दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विथ डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दोस्तों संविदा शिक्षक वर्ग 3, जो दोस्तों पेपर 2008 में जो पेपर आया था उसमें जो हिंदी के जो प्रश्न थे दोस्तों वही लेकर आया हूँ। इसमें जो 2008 में जो पेपर आया था दोस्तों, वो सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य अध्ययन, शैक्षिक अभिरुचि, हिंदी एवं अंग्रेजी, इनके जो प्रश्न हैं दोस्तों वो एक साथ दे दिए थे, अलग अलग नहीं दिए थे। तो उनमें से मैंने ये प्रश्न हिंदी के छाटे हुए हैं और एक साथ नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता तो उनका भी मैं वीडियो डालूंगा। वर्ग 3, वर्ग 1, वर्ग 2 सभी के मैं वीडियो डालूंगा दोस्तों, पुराने जितने भी ओल्ड पेपर है सभी का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको जो भी वीडियो डालूं मैं आपके पास वो पहले पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न दोस्तों, इनमें से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, गोदाम। अगला प्रश्न दोस्तों दूसरा, निम्नलिखित लोकोक्ति का क्या अर्थ है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका आंसर है दोस्तों डी, अपनी चीज की इज्जत ना करना। अगला है दोस्तों तीसरा, अर्वाचीन शब्द का विपरीतार्थी शब्द क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, प्राचीन। दोस्तों जो अर्वाचीन शब्द है एक संस्कृत शब्द था है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसून शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। तो इसका आंसर दोस्तों बी, पुष्प। अगला है दोस्तों पांचवा, पंचवटी में कौन सा समास है। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, द्विगु समास। अगला है दोस्तों छठा, गायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, गायिका। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द शुद्ध है, जो चारों है इसमें शुद्ध कौन सा है, ए स्वाभाविक। अगला है आठवा, मरणोपरांत शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, मरण प्लस उपरांत। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप क्या है, मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूँ। तो दोस्तों इसका शुद्ध रूप है बी, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। अगला है, निम्नलिखित पंक्ति में किस रस की सृष्टि हुई है, वरदे वीणा वादिनी वरदे। इसका आंसर दोस्तों ए, भक्ति रस। अगला है ग्यारहवा, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, माला फेरत जगमुआ, मिटाना मन का फेर, कर का मन का डर दे, मन का फेर। इसका आंसर है दोस्तों डी, इसमें यमक अलंकार है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, खामोश। जो शब्द है ये क्या है, विदेशज है। अगला है दोस्तों तेरहवा, पाश शब्द का अर्थ क्या है। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सी, बंधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, जो आंखों के सामने ना हो के लिए एक शब्द क्या है। इसका आंसर है दोस्तों डी, परोक्ष। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैंने जो हिंदी जो 2008 में आया था दोस्तों, जो हिंदी के प्रश्न उसमें इतने ही प्रश्न थे, तो सभी प्रश्न लेकर आया था दोस्तों 14 प्रश्न। बाकी के भी जो 2008 में जो पेपर आए थे उनके भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों मेरे चैनल को, लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।